त्वमेव माता च पिता त्वमेव, त्वमेव बंधु च सखा त्वमेव, त्वमेव विद्या द्रविणम त्वमेव, त्वमेव शरबम मम देव देव। प्यारे मित्रों, जय श्री राम, जय माता दी। मित्रों, आज हम आपसे साप्ताहिक राशिफल 15 अप्रैल से 21 अप्रैल तक का चर्चा करते हैं। क्या रहेगा 12 राशियों का साप्ताहिक राशिफल? ध्यान देना, ये राशिफल चंद्र कुंडली के आधार पर निर्धारित किया जाता है। अधिक जानकारी के लिए पर्सनल आप हमसे संपर्क कर सकते हैं, बात कर सकते हैं। मित्रों, सबसे पहले हम बात करते हैं मेष राशि के जातकों की। संतान को लेकर के चिंताएं पनप रही, चिंताएं व्याप्त हो रही हैं। कोई नया ज्ञान या हुनर सीखने को आपको प्राप्त होगा। फैसले लेने में हिचकिचाहट आपको अंदर से भी आएगी। 17 और 18 को आलस्य थकान रह सकता है आपको। आप मेहनत अधिक करेंगे परंतु उसका परिणाम आपको उतना अच्छा प्राप्त नहीं होगा। 19 से लेकर के 21 तक किसी रिश्तेदार से शुभ समाचार आपको प्राप्त हो सकता है। संपत्ति के विवाद हल होंगे आपके जो चल रहे हैं। दूसरों की तरफ आप मदद का हाथ भी बढ़ाएंगे और आपको भी लाभ की प्राप्ति होगी। दूसरों को तो लाभ मिलेगा ही, आपको भी लाभ मिलेगा। बात करते हैं वृषभ राशि के जातकों की। स्वास्थ्य को लेकर थोड़ा सा सचेत रहें। मन ही मन किसी बात को लेकर के दुखी रह सकते हैं। मित्र अधिक बनेंगे पर उसमें कोई लाभ आपको प्राप्त नहीं होगा। 17 और 18 को स्थितियों में सुधार आएगा आपकी। तकनीकी, कानूनी, इंजीनियरिंग, मेडिकल से जुड़े लोगों के लिए ये समय अच्छा रहेगा, लाभप्रद रहेगा। आपके प्रेम प्रसंगों में बढ़ोतरी होगी और बड़ों का आशीर्वाद आपको प्राप्त होगा। बात करते हैं मिथुन राशि के जातकों की। दाम्पत्य सुखों में वृद्धि होती हुई यहाँ पर दिखाई दे रही है। 17 और 18 को समय विपरीत रहेगा आपका। आर्थिक मामलों में अनदेखी से नुकसान भी आपको हो सकता है। मन के अनुसार काम न होने से समस्याएं आपके सामने आ सकती हैं। नौकरी कर व्यक्तियों को परेशानी का सामना करना पड़ सकता है। जो व्यक्ति नौकरी इत्यादि कर रहे हैं उनको परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है। 20 तारीख की अगर हम बात करें तो समय, समस्या, परिणाम, ये तीनों आपको इस समय समस्याएं आएंगी परंतु समस्याओं का परिणाम जो होगा वो आपके लिए कष्टकारी नहीं होगा। आप पराए लोगों के बीच में जाएंगे, उनसे बात भी करेंगे और उनके साथ आनंद भी प्राप्त करेंगे। बात करते हैं कर्क राशि के जातकों की। मन में संतोष प्राप्त होगा आपको। घर परिवार में सुख शांति भी रहेगी आपके। 16 को घर, कार्यालय, दुकान इत्यादि आप बदल भी सकते हैं, नया रोजगार भी डाल सकते हैं। 17 और 18 यह समय आगे बढ़ने का समय है आपका। आप अपने प्रयासों से आगे बढ़ेंगे। आप जो भी प्रयास कर रहे हैं उसमें आपको सफलताएं मिलेंगी। 19 से 21 की अगर हम बात करें तो समय थोड़ा ठीक नहीं रहेगा। 19 से 21 को समय थोड़ा सा आपके विपरीत रहेगा। आपको चोट लग सकती है या आप बीमार भी पड़ सकते हैं परंतु इन सभी समस्याओं से आप बिल्कुल घबराएंगे नहीं। आप धैर्य बना करके अपने काम को करेंगे, सफलताएं आपको मिलेंगी। बात करते हैं सिंह राशि के जातकों की। तो आपकी मेहनत, परिणाम, परिश्रम, जो भी कर रहे हैं आप, इसका आपको लाभ प्राप्त होगा। 16 को आप अपने कार्य में बदलाव लाएंगे। नौकरी में कार्य को पूरी निष्ठा के साथ में करेंगे। नौकरी कर रहे हैं तो उस कार्य को आप पूरी निष्ठा और विश्वास और श्रद्धा के साथ में करेंगे। इसके साथ साथ 17 और 18 को किसी मित्र के जरूर आप काम आएंगे। कोई मित्र ऐसा होगा जिसको आपकी ज़रूरत होगी, धन संबंधी ज़रूरत या कुछ ज्ञान संबंधी ज़रूरत, आप उसकी सहायता ज़रूर करेंगे। चिंताओं से आपको लाभ प्राप्त होगा। जो चिंताएं हैं उनमें आपको लाभ की प्राप्ति होगी। 21 तारीख को रोजगार के क्षेत्र में
अगर आपने कोई प्रयास किया है तो आपको उसमें लाभ प्राप्त होगा, धन प्राप्ति के योग बन रहे हैं और चिंताओं का यहाँ पर निदान होगा, चिंताएं यहाँ पर आपकी दूर होंगी। बात करते हैं कन्या राशि के जातकों की। इस समय आप में बदलाव आएगा और 16 अर्थात जो 16 तारीख है इस दिन की शुरुआत तनाव भरी रहेगी, थोड़ा सा दिक्कत रहेगा 16 तारीख को। आपको पेट दर्द या बदन दर्द भी रह सकता है इस समय। 17 और 18 को किसी से बैर ना रखें, किसी से लड़ाई झगड़ा ना करें, बच करके रहें। काम में बदलाव की संभावनाएं हैं। खुद को प्रसन्न रखें और तनाव मुक्त रखें, तनाव ज़्यादा ना लें, टेंशन ज़्यादा ना लें। ईर्ष्या जलन और विरोधियों से सावधान रहें। 19 और 20 को समय आपके लिए काफ़ी अच्छा होगा, आप अपनी समस्या मित्रों को बताइएगा। 21 को समय आपके लिए काफ़ी अच्छा रहेगा और समस्याओं का समाधान आपका मित्रों के साथ में ही हो जाएगा। बात करते हैं तुला राशि के जातकों की। आर्थिक पक्ष मजबूत रहेगा। 16 तारीख को आप करियर को लेकर के महत्वपूर्ण निर्णय भी ले सकते हैं, किसी की सलाह भी आपको काम आएगी, परिवार में चल रही समस्या का आपका निदान होगा। 17 और 18 को संतान की कोई हरकत से आपको समस्याएं आ सकती हैं, संतान के द्वारा कोई ऐसा कार्य किया जाए जिससे आपके सामने समस्या आ सकती है। प्रेम प्रसंग अपयश का कारण भी बन सकता है। 19 से लेकर के 21 तक आप अपने काम को पूर्ण निष्ठा और विश्वास से करेंगे, चिंताओं से आपको राहत की प्राप्ति होगी, उन्नति में महत्वपूर्ण समय ये रहेगा आपका। बात करते हैं वृश्चिक राशि की। तो 15 को समय आपका सुखद रहने वाला है वृश्चिक राशि के जातकों। 16 को आपके जो कार्य का प्रतिफल होगा वो प्राप्त होगा आपको, सरकारी मामलों में आपको सफलताएं प्राप्त होंगी। आप में चाटुकारिता के गुण हैं, अर्थात दूसरों को आपको कैसे लुभाना चाहिए ये आप जानते हैं। 17-18 को धन लाभ की प्राप्ति होने के योग दिखाई दे रहे हैं। दैनिक कार्यों में सफलता से पूर्ण लाभ आपको प्राप्त होगा। 9 दंपत्ति कहीं घूमने के लिए जा सकते हैं। समाज में आपकी प्रतिष्ठा की वृद्धि होगी। पड़ोसी या मित्र भी आपसे कहा सुनी हो सकती है। आप पर कोई लांछन या कलंक भी इस समय लग सकता है। बात करते हैं धनुराशि के जातकों की। तो 15 और 16 को नौकरी में आपको लाभ होने वाला है। मनचाही जगह परिवर्तन, स्थान परिवर्तन जो होता है, स्थानांतरण होता है, उसके भी योग बनने अगर आप चाहते हैं तो इसमें आपको लाभ मिलेगा। पति पत्नी के साथ में मधुर संबंध भी बना करके रखिएगा, आप स्वयं में अपने आप में बदलाव लाएंगे तो अच्छा रहेगा। 17-18 को किया गया निवेश भविष्य में फायदेमंद होगा और संतान से संबंधित खुशखबरी आपको प्राप्त होगी। 19 से 21 के बीच में रुकावटें दूर होंगी, आपकी मित्र वर्ग आपके साथ अच्छा व्यवहार करेंगे। उस पर इस समय वाहन आदि चलाते समय आपको थोड़ी सी सावधानी रखनी जरूरी है। मकर राशि के जातकों, आपके विषय में चर्चा करते हैं। पति पत्नी के बीच संबंध मधुर बनाकर रखें, धन हानि की योग यहाँ पर बन रहे हैं आपके। 16 को रोग तथा शत्रु भी आपके बढ़ेंगे, किसी षड्यंत्र का शिकार भी आप हो सकते हैं, बनते कामों में अड़चनें आएंगी आपके। 17-18 को समस्याओं से निजात भी पा सकते हैं। युवा वर्ग काम को लेकर के उत्साहित रहेंगे, इंटरव्यू में सफलताएं प्राप्त होंगी। 19 से 21 के बीच का जो समय बहुत सुंदर रहेगा आपका, मेहनत परिणाम का पूरा पूरा लाभ भी आपको प्राप्त होगा। बात करते हैं कुंभ राशि के जातकों की। स्वास्थ्य में सुधार होगा आपके, कुछ पारिवारिक समस्याएं रहेंगी, समस्या का समाधान आप स्वयं ही कर लेंगे। आपको कोई ऐसी वस्तु आपके पास में होगी जो चोरी जा सकती है तो थोड़ा सा उस पर भी आप ध्यान रखिएगा। किसी प्रभावशाली व्यक्ति से आपकी मुलाकात होगी और आपको उससे लाभ भी प्राप्त होगा। अपने वाहन को ठीक रखें, नहीं तो रास्ते में समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है आपको। वाहन चलाते समय भी सावधानी रखिएगा और वाहन को भी चुस्त और दुरुस्त रखिएगा। अधिकारी वर्ग आपसे नाराज हो सकते हैं। 19 से लेकर के 21 के बीच आपको व्यापार और व्यवसाय में आपको गंभीरता से कोई निर्णय लेना चाहिए। बात करते हैं लास्ट राशि जो मीन राशि है इस विषय पे। कार्य क्षेत्र में दबदबा व रुतबा बना करके रखेंगे आप। मामूली कानूनी विवादों में किसी विशेष व्यक्ति के माध्यम से आपको अच्छा निर्णय भी प्राप्त होगा।
17-18 को समय गति आपके पक्ष में रहेगा, सुख सुविधा में आपको लाभ प्राप्ति होगी, अपने सारे कार्य शांतिदायक तरीके से आपको करने हैं और करना भी चाहिए। 19-20-21 को समय मानसिक रूप से आप परेशान रह सकते हैं, आंखें बंद कर किसी पर भरोसा एकदम मत कीजिएगा। इस समय आप ऋण भी ले सकते हैं, कर्ज भी ले सकते हैं और 22 और 23 को आप सरकारी क्षेत्र में लाभ मिलने के भी अवसर दिखाई दे रहे हैं। घर परिवार में आप अधिक व्यस्त भी रह सकते हैं, नए व्यक्ति आपके मित्र भी बन सकते हैं। तो मित्रों, हमने आपको ये जो राशिफल बताया, ये राशिफल चंद्र कुंडली के आधार पर निर्धारित किया गया है। अधिक जानकारी के लिए आप हमारे पर्सनल नंबरों पर हमसे संपर्क कर सकते हैं और अपनी समस्या बता करके अपना समाधान भी प्राप्त कर सकते हैं। पुनः मिलते हैं एक नए वीडियो में, तब तक के लिए दीजिए इजाज़त। जय माता दी, जय माता दी।